अस्सलाम वालेकुम सामीन, 30 रमजानुल मुबारक और 10 अप्रैल है। खबर का उन्वान है भाजपा 400 पार। आप इस पूरी खबर को सुने, पूरी वीडियो को देखें और अपनी राय हमें लिखें भी कि आप इससे क्या समझे हैं। बताइए, आपको जानकारी है, बेहद खुशी होगी कि आप जैसे लगभग 80 करोड़ लोगों को भाजपा की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। आप सभी के आशीर्वाद से और मोदी जी के नेतृत्व से भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश की सेवा में लगी हुई है। 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले चुनाव में आपकी अहम भूमिका होगी। आपसे अनुरोध है कि 26 अप्रैल को चुनाव वाले दिन कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजय बनाए, मोदी जी को और मजबूत करें। अब की बार 400 बार फिर से एक बार भाजपा सरकार। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भाई साहब। हेलो 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 जी भाई साहब। अरे यार, तुमने तो अपनी भाई साहब, तुमने तो भाई अपनी अपनी बात तो कह दी, हमारी तो सुन लेते। हाँ जी भाई साहब, बताइए, अब आपकी सुनेंगे। क्या कह रहे थे, थोड़ा सा रुक कर तो बताओ, आहिस्ता सा समझ में आओ बात, क्या कहा क्या नहीं। अच्छा भाई साहब, हम दोबारा बता देंगे आपको, बताओ। 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले चुनाव में आपकी अहम भूमिका होगी। आपसे अनुरोध है कि 26 अप्रैल को चुनाव दबाकर भाजपा को विजय बनाए और मोदी जी को और मजबूत करे। 400 पार फिर से एक बार भाजपा सरकार। 2047 तक क्या? 2047 तक मोदी जी का विकसित भारत संकल्प पूरा करने के लिए। तो 2047 तक कौन जीवेगा कौन मरेगा इसका क्या पता? मोदी जी का सपना है ना भारत को विकसित करने का 2047 तक। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी सपना था कि भारत एक शिक्षित देश बने, वो तो बन नहीं पा रहा। मोदी जी के सपने से पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना है कि हमारा भारत जो है वो जो है दुनिया के अंदर वो माना जाना चाहिए कि पढ़े लिखों का एक मुल्क है, तो वो तो नहीं बन पा रहा अभी। अच्छा, असल तो वो है कि हमें भारत को मिलकर जो है एक शिक्षित देश बनाना है कि जो पढ़े लिखे होकर मुल्क होना चाहिए। तो बात तो बेरोजगारी पर होनी चाहिए, जो घर घर में जो है लोग पढ़े लिखे हों और शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। अब बताओ सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल हैगा, आप आके देखो उसकी हालत क्या है। हम तो जिंदगी में उसको ऐसे ही देखता आ रहे हैं, 20 साल तो हमें हो गए देखते हुए उसे, उसकी हालत। हम आपकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी शिकायत जरूर दर्ज करेंगे। किसकी शिकायत दर्ज करोगे? पूरे मुल्क की यही हालत है भाई मेरे, पूरे मुल्क की हालत यही हो रही। जगह जगह जो है सरकारी स्कूलों का तो बेड़ा गर्क ही हुआ पड़ा बिल्कुल। वरना अगर सरकारी स्कूल कामयाब होते हैं तो प्राइवेट स्कूल चलते ही ना, और प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं तो सरकारी स्कूल ठप ही पड़े हैं बिल्कुल। उनकी हालत ये है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है उनमें, क्योंकि पढ़ाने वाले तनख्वाह तो ठीक ठाक है लेकिन उनका कामयाब पढ़ाई तो नहीं हो पा रही उनकी। अब बताओ इन पर सबसे पहले आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी राय दर्ज कर रहे हैं, हम जरूर आपकी राय आगे तक पहुंचाएंगे, हम रिपोर्ट बनाकर, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ये 10 साल हो गए मोदी जी को, अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए था। सारे स्कूल फर्स्ट क्लास होते, दिल्ली के केजरीवाल ने देखो स्कूल कर दिए, और भी हैदराबाद के अंदर देखो कैसे स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। तो हमारे यूपी में तो बिल्कुल बेकार ही हो रहा मामला। हम तो चाहें कि देखो आपकी शिकायत दर्ज की जा रही है, हमारे भारत के अंदर मुल्क के अंदर कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदमी ऐसा बनना चाहिए जो कामयाब हो, मुल्क को साथ लेकर मुल्क को जोड़ने वाला, आपस में जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद मोहब्बत के साथ मुल्क को चलाने वाला आदमी बने। हम तो यही दुआ करते हैं, कोई भी बने चाहे हमारी तरफ से, हम उससे दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ऐसा आदमी जो है मुल्क के अंदर आए जो मुल्क को चलाए, मोदी जी हो या कोई भी हो। अच्छा भाई साहब, हम आपकी शिकायत जरूर दर्ज कर रहे हैं, हम भाई साहब आपकी रिपोर्ट जरूर आगे भेजेंगे, आप बेफिक्र रहिए। जी पूरे मुल्क की हालत यही है, जगह जगह जाकर देख लो सब स्कूलों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। चलो खैर, आप धन्यवाद भाई साहब जानकारी के लिए, जो आपकी ड्यूटी है वो आप कर रहे हो।